तो मंत्रिपरिषद से पहले कैबिनेट की भी बैठक हुई मंगलवार को। गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक में अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि कैबिनेट ने कोचिंग छात्रों की आत्महत्या पर गंभीर चिंतन किया है। जल्द एक कमेटी बनाने की बात कही गई है। कैबिनेट ने पार्ट टाइम कार्मिकों को राहत दी है। जयपुर में पहला जेम्बोर्स बनेगा। अब पार्ट टाइम कार्मिकों को 3 लाख रुपए तक का परिलाभ मिलेंगे। नेत्रहीन विकास संस्थान निःशुल्क भूमि आवंटन होगा उनको। नाथद्वारा में पार्किंग के लिए भूमि आवंटित होगी। आप कैसे भेज सकते हो 12वीं क्लास में 12 साल का बच्चा जा ही नहीं सकता। मनमानी लगा रखी है। सिर्फ पैसे बनाने के संस्थान इनको नहीं बनाया जा सकता। और ये कोचिंग वाले जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो समझ लें, अपने यहाँ पे नॉर्म्स बनाएं, तय करें, अपने यहाँ सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करें और लागू करें, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना बंद करें। इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया कि वो उसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। बच्चों के जब सुसाइड करता है आत्मा रोती है पूरे राजस्थान की, पूरे देश की। तो पहले एजुकेशन पॉलिसी थी, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे ऐसी पॉलिसी आ गई थी कि फेल होने का सिस्टम नहीं था। आपने मार्किंग तय कर दी थी, ए बी सी डी ग्रेड तय कर दिया था, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था। अब ये सरकार आई, नौकरी तो देती नहीं है केंद्र सरकार, आपने एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी। मिशन 2030 की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। किस प्रकार से तमाम राजस्थान की जनता को विभिन्न पहलुओं पे विभिन्न लोगों के द्वारा सुझाव लेके किस तरह से राजस्थान को अग्रणी प्रांत बनाने का जो हमारा संकल्प है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों के विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स गंभीरता से सितंबर तक तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। राजस्थान को समर्पित निर्णय किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता के लिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, शासन के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे कर्मचारियों के हित के अंदर हमारे निर्णय किए जा रहे हैं। नेत्रहीन विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि आवंटन का एक बहुत बड़ा फैसला आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में किया गया। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2003 का आज अनुमोदन किया गया मंत्रिमंडल में। अब विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर मिलेगा 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फरास जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को मिलेगा इससे आर्थिक संबल। जयपुर में बनेगा जेम्बोर्स, 60,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जयपुर में राज्य का पहला जेम्बोर्स बनेगा। इसके लिए जेम एंड ज्वेलरी बोर्ड्स को सीतापुरा में लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि औद्योगिक आरक्षित दर की 3 गुना दर पर आवंटित की जाएगी। बोर्ड्स बनने से रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 60,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड होगा। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड को अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। श्रीमती अमृता विश्नोई द्वारा जीव जंतु एवं वन रक्षा में दिए बलिदान को आम जन तक पहुंचाने के लिए निर्णय किया गया।